चलिए फ्रेंड्स, आज इस ब्लॉग में आपको लेके चलते हैं लोटस टेंपल। आप लोगों को पता ही होगा कि लोटस टेंपल को लोटस टेंपल क्यों कहा जाता है। उसका शेप जो है वो एक लोटस की तरीके है, इसलिए उसको हम लोग लोटस टेंपल के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग लोटस टेंपल पहुंच चुके हैं, और जो ये यहाँ पे ग्रीनरी है वो यहाँ पे ये लोटस टेंपल की जो ब्यूटीफुलनेस है उसको और भी आकर्षक बना रही है। काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, जो मन को बहुत अच्छी लगती है। अगेन आप लोग ग्रीनरी देख सकते हैं यहाँ पे। जो आप ये तालाब देख रहे हैं, इन तालाबों की संख्या 9 है, और जो ये लोटस है यानी कि कमल, इनकी पंखुड़ियों की संख्या जो है वो 27 है। और मंदिर की ज़मीन का क्षेत्रफल जो है वो 26.6 एकड़ में मंदिर बना हुआ है, और ज़मीन से मंदिर की ऊंचाई 34.27 मीटर है। यहाँ पे जो बहुत ही स्पेशल चीज़ है वो ये है कि ये 9 तालाबों के बीच में एक कमल का फूल बना हुआ है, जो कि लोटस टेंपल है। ये बहुत ही आकर्षक लगता है देखने में। आप लोग अगर जो मन बना रहे हैं यहाँ पे आने का, तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं। यहाँ बीच में एक प्रेयर हॉल भी है, जो कि और इस टेंपल की बहुत ही यूनिक चीज़ है। जो यहाँ का प्रेयर हॉल है वहाँ पर 1300 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। बहुत ही स्पेशल जगह है यहाँ पे, आप देख सकते हैं प्रेयर हॉल, और ये उसकी छत है प्रेयर हॉल की, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। मंदिर से बाहर आते ही आपको एक इंफॉर्मेशन सेंटर दिखेगा, जहाँ पे आप बहाई धर्म से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन की जानकारी आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो ये टेंपल है ये स्पेशली एक प्रेयर हॉल है, जहाँ पे आप प्रेयर कर सकते हैं। और ये लोटस टेंपल जो है एक बहाई टेंपल है, जिसका मानना ये है कि सारे धर्म एक हैं और कोई अलग नहीं है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है, तो वही है कि सारे लोगों के सभी धर्म के लोग यहाँ पर आके टेम्पल पर वर्शिप कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। और एक बेसिकली ये एक प्रेयर हॉल है, जो कि लोटस टेंपल के नाम से जाना जाता है, लोटस की शेप में है। आई होप आपको ये व्लॉग जो है काफ़ी पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा व्लॉग है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।